हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश एफएल सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4। सो लेट्स कंटिन्यू। पैराग्राफ नंबर 8। डियर मी, सेड मिस्टर वेल, द काउ मस्ट बी टक Tusk really deep, and he pulled with all the strength. प्रिया, मुझे सेंटी मिस्टर कहते हैं कि गाय मस्ट टक यानी बास्टर में रियली में वो उंडी खाऊ में फंसी हुई है। मिस्टर वेल पुलेड हार्डर, मिस्टर वेल ने बड़ी ताकत लगाई एंड मिस्टर पुलेड एलिफेंट पुलेड हार्डेड यानी मिस्टर एलिफेंट में भी पूरी ताकत लगाई। दिस मस्ट बी ए वेरी हग काउ यानी जो काउ है वो सचमुच में बहुत उंडी खीन में फंसी हुई है। तो मिस्टर वेल वो विचारते हैं, मिस्टर वेल हो उसके मन में विचार आता है कि वो काउ है वो बहुत उंडी खाउ में फंसी हुई है। एंड ही जम्पेड डीप इन द सी, वो क्या है उसको निकालने के लिए क्या करता है, जम्प यानी उसको जंप लगाते हैं। शी पुलिंग द रोप विद द हिम, द पुल वॉज स्ट्रॉन्ग दैट मिस्टर एलिफेंट कम स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग टूवर्ड द बीच यानी एक साइड में कौन खींचता है, मिस्टर वेल और दूसरी साइड पे मिस्टर एलिफेंट। दोनों साइड के दो खींचते हैं उसको। बीप को वन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स दी उसमें। वन नंबर में दिस मस्ट बी ए वेरी हग काउ थ्राउट मिस्टर वेल, मिस्टर वेल के मन में क्या विचार आता है कि सचमुच में वो काउ है वो गहरी खीर में फंसी हुई है, कीचड़ में फंसी हुई है। टू नंबर मिस्टर वेल जंपेड डीप इन टू द ओशियन, तो मिस्टर क्या वेल होती है वो क्या होता है कि जंप लगाती है जोर से तो वो जाके उंडे खीन में वो ओशन समुद्र में वो गिरती है। मिस्टर वेल पुल वॉश ए वेरी स्ट्रॉन्ग होती है। टू नंबर में दिया है राइट द करेक्ट ऑप्शंस ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। वन नंबर मिस्टर एलिफेंट काउ ही काउ वॉज हग, मिस्टर एलिफेंट विचारते हैं क्या उसके मन में क्या विचार आता है कि वो काउ है वो बहुत उंडी खीण में फंसी हुई है, आपको हैवी माइटी हग एंड स्ट्रॉन्ग दिया है तो हग। मिस्टर एलिफेंट कम कल जगह टू वर्ड इन द बीच, मिस्टर एलिफेंट कम स्लीपिंग एंड स्लाइडिंग टूवर्ड द बीच। पैराग्राफ नंबर 9, इसमें बताया हुआ है कि नाउ मिस्टर एलिफेंट वॉज टेबली एंग्री, हाउ कुड द काउ पुल मी सो फार, क्वेश्चन मार्क किया है। ही ट्राउट वो भी विचारता है कि वो काउ है वो जैसे उसको बाहर निकाला जाए। ही पुलेड विथ ऑल हिज माइट एंड अप कम मिस्टर वेल आउट फॉर द वॉटर, हु इज द पुलिंग मी, क्वेश्चन मार्क, शाउटली मिस्टर वेल। बोले ये जोर से कौन चिल्लाता है, शाउटली मिस्टर वेल, हु इज अ पुलिंग मी, क्वेश्चन मार्क दिया है। ट्रम्पेट मिस्टर वेल, एक साइड में वो है शाउट करती है वेल मछली और दूसरे साइड में ट्रम्पेट चिंगारता है हाथी है वो क्या है चिल्लाते है दोनों साइड पे। फिल इन द ब्लैंक्स। वन नंबर मिस्टर एलिफेंट वॉश
equally angry. Two number, Mr. Elephant pulled with all his might. Two number, write the correct option A, B, C or D in the box given. First, triply angry, Mr. Bell, Mr. Elephant, Mr. Rabbit, Mr. Cow. तो इसमें मिस्टर एलिफेंट वॉज ट्रिपली एंग्री. टेन नंबर पैराग्राफ दिया है, दे बिगन टू पुल अगेन बट दिस टाइम द रोप ब्रोक. ये दोनों क्या एक दूसरे को खींचते थे दोनों साइड से, तो एक बाजू किसकी आवाज आती है चिल्लाने की, बेल की, और दूसरी तरफ ट्रम्पेट की, एलिफेंट की. फिर क्या होता है कि दो एक दूसरे को खींचते रहते हैं दोनों. तो मिस्टर बेल टर्नेड द सम शोल्ट एंड लैंडेड डीप इन द वॉटर. तो खींचते हैं तो जो दोरडा होता है रोप होता है जो रस्सी का वो ब्रोक यानी टूट जाता है. तो मिस्टर बेल टर्न होके वो कहाँ गिरती है, इन द वॉटर में गिर जाती है. और मिस्टर एलिफेंट फॉल ओवर बैकवर्ड एंड लैंड लॉन्ग ऑन द हिल के पीछे गिर जाते हैं. वेल होती है जो वेल मछली होती है वो उनके पानी में गिर जाती है, और जो एलिफेंट है वो द हिल यानी लैंड पे वो हिल के पीछे गिर जाते हैं, एक दूसरों को खींचते रहते हैं. तो फिर क्या होता है, वो रस्सी होती है वो बीच में से टूट जाती है, तो दोनों जाके इधर उधर पटकाते हैं. तो लिटल मिस्टर रैबिट सैट इन द बसेस इन द लाफेड एंड लाफेड एंड लाफेड. तो मिस्टर रैबिट होता है वो क्या करता है कि लास्ट में वो बैठ के सब देख रहा था छेड़े पे कि दोनों को देख रहा था, तो वो क्या करता है जोर जोर से वो हंसने लगता है क्योंकि उसने दोनों को उल्लू बनाया. तो वो जोर जोर से हंस लाफेड एंड लाफेड एंड लाफेड जोर जोर से वो हंसने लगता है क्योंकि उसने क्या किया था वो क्या भाई वो दोनों बात कर रहे थे उतने उसने सुन लिया. वो मिस्टर वेल क्या कहती है कि मैं सबसे बड़ी समुद्र की मैं सबसे बड़ी प्राणी हूँ, और वो एलिफेंट के बोलते हैं कि आप जमीन के सबसे बड़े प्राणी हैं. तो दोनों की बात वो क्या कौन है ये वेल रैबिट होता है वो सुन लेता है, तो उसको मजाक करने की सुनती है. तो वो दोनों को पहले वो वेल के पास जाता है और बोलता है कि मेरी काऊ है वो उंडे किचन में फंसी हुई है तो आप निकालो मेरी मदद करो. तो उसको वेल बोलती है अच्छा मैं तुम्हारी मदद करूंगा. फिर वो क्या करता है ड्रम निकालता है एक रोप लाता है बड़ा स्ट्रांग मजबूत. फिर वो क्या एक बाजू में इसको बांधता है वेल को बांधता है, और दूसरी साइड बोलता है उसको मैं मेरी काऊ को बांधूंगा ऐसे करते. फिर वो एलिफेंट के पास जाता है, एलिफेंट को भी वो क्या बताता है जैसे वेल को बताया वैसे ही बताता है कि भाई मेरी काऊ है वो उंडे किचन में फंसी हुई है तो आप उसको मेरे को निकालने में मदद करोगे. तो वो भी हाँ बोलता है उसके मनाने के बाद में. तो दूसरी साइड पे वो एलिफेंट को बांधता है. फिर वो बोलता है कि जब भी मेरी ड्रम बजेगी और तो आपके कानों में सुनाई दोगे तो फिर आप दोनों खींचना ऐसे. उसको भी बोलता है उसको भी बोलता है. तो वो दोनों क्या करते है कि खींचने लगते है. तो दोनों की क्या है कि वो भारी रहती है क्योंकि ये बाजू खींचे तो वेल भी भारी है वो बाजू खींचे तो एलिफेंट भी भारी है. तो बोले इतनी सारी बड़ी काऊ है कि बाहर कीचड़ में उंडे कीचड़ में फंसी होगी तभी वो बाहर नहीं निकल रही, ऐसे वो दोनों के मन में विचार आता है. तो फिर क्या होता है कि एक दूसरों को खींचने लगते है तो एक साइड में वेल चिल्लाती है दूसरे साइड में एलिफेंट चिल्लाता है. फिर क्या होता है कि चिल्ला चिल्लाने में दोनों एक दूसरे को खींचने लगते हैं तो दो रस्सी बांधी हुई है दोनों को बीच में से टूट जाती है. टूट जाती है तो एक साइड में उंडे समुद्र में वेल पछड़ाती है, दूसरी बाजू में लैंड में हिल के पीछे होता है वो एलिफेंट गिर जाता है. तो ये सब जो रैबिट होता है वो लास्ट में बैठ के ये सब देख रहा है. फिर बाद में दोनों गिर जाते हैं उधर उधर तो एलिफेंट होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है. क्या लगता है हंसने लगता है क्योंकि उसने क्या किया वो दोनों को उल्लू बनाया. अभी टू नंबर एक्सरसाइज नंबर वन में दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स. वन में है मिस्टर बेल लैंडेड डीप इनटू द वॉटर. मिस्टर बेल लैंडेड डीप इनटू द वॉटर. वो मिस्टर बेल होता है वो कहाँ जाके गिरती है के उंडे पानी में.
और मिस्टर एलिफेंट लैंडेड इन द हिल, हिल के पीछे गिरता है वो। तो मिस्टर रैबिट लाफेड एंड लाफेड, वो दोनों को देख के मिस्टर रैबिट है वो क्या करता है, जोर जोर से हंसता है। अभी ये है कि राइट द करेक्ट ऑप्शंस दिए है आपको, ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। ये आपको ये बॉक्स के अंदर जो ऑप्शन बताए हैं उसको लिखना है। दिए गए बॉक्स में से सही विकल्प को ढूंढ के लिखना है अपनों को। ए बी सी डी वन नंबर में दिया है, मिस्टर वेल खल गया एंड लर्नेड इन टू द वॉटर, तो कहाँ पे गिर जाता है वो बताना है। तो टर्नेड द शम शोल्ड, तो मिस्टर टर्नेड ए शम शोल्ड एंड लर्नेड इन द वॉटर के अंदर, उंडे पानी में। टू नंबर में मिस्टर एलिफेंट खल गया एंड लर्नेड ऑन द हिल्स, तो जम्पेड फील ओवर बैकवर्ड्स स्लेड टर्नेड ए सम शोल्ड, तो फील ओवर बैकवर्ड लर्नेड एंड लर्नेड उन द हिम फील। टू नंबर की एक्सरसाइज है डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव दिया है। लुक रीड एंड लर्न, लुक यानी देखो, रीड करो एंड लर्न करो। ऑपोजिट वर्ड से यानी विरोधी शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स दिए है यानी विरोधी शब्द। ए बिग काइट ए स्मॉल काइट, यानी बड़ी काइट और छोटी काइट। ए बिग काइट ए स्मॉल काइट। टू नंबर ए फैट बॉय, ए फैट बॉय यानी मोटा बॉय, ए थिन बॉय यानी पतला बॉय। फैट बॉय ए थिन बॉय। ए टॉल गर्ल यानी लंबी गर्ल, ए शॉर्ट गर्ल यानी छोटी गर्ल। ए लॉन्ग पेंसिल यानी लंबी पेंसिल, ए शॉर्ट पेंसिल यानी छोटी पेंसिल। ए न्यू बुक यानी नई बुक, इन ओल्ड बुक यानी पुरानी बुक। यंग मैन यानी जवान इंसान, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा इंसान। ए क्लीन रूम यानी स्वच्छ रूम, डर्टी यानी गंदा रूम। ए हॉट डे, हॉट यानी गर्म डे, ए कोल्ड डे यानी ठंडा डे। ए हैप्पी गर्ल यानी खुश गर्ल, ए शेड गर्ल यानी दुखी गर्ल। लाइट बैग, लाइट यानी हल्की, ए लाइट बैग हल्की बैग, ए हेवी बैग यानी भारी बैग। ए स्ट्रॉन्ग बॉय यानी मजबूत बॉय, ए वीक बॉय। ए हार्ड पेंसिल, ए सॉफ्ट पेंसिल, हार्ड यानी कड़क कठिन और सॉफ्ट यानी नरम। ए चीप शर्ट, चीप यानी सस्ता, ए कॉस्टली शर्ट यानी महंगा। ए फास्ट कार यानी झड़पी, ए स्लो कार यानी धीरी कार। अभी ऑपोजिट वर्ड्स आपको दिए है उसको लिखने के बाद में लर्न करना है उसको। फिर से हम उसको एक बार रीड करेंगे। ए बिग काइट ए स्मॉल काइट, ए फैट बॉय ए थिन बॉय, फैट यानी जाड़ा, थिन यानी पतला। टॉल यानी लंबा, टॉल गर्ल, ए शॉर्ट यानी छोटा। ए लॉन्ग पेंसिल, ए शॉर्ट पेंसिल। ए न्यू बुक, ए ओल्ड बुक। ए यंग मैन, इन ओल्ड मैन। यंग यानी जवान, ओल्ड यानी बूढ़ा। ए क्लीन रूम, डर्टी रूम।
ए हॉट डे कोल्ड डे। हॉट डे यानी गर्म दिन और ठंडा दिन। हैप्पी गर्ल खुशी गर्ल, शेड गर्ल यानी दुखी गर्ल। ए लाइट बैग हल्का बैग, ए हेवी बैग भारी बैग। ए स्ट्रॉन्ग बॉय मजबूत बॉय, ए वीक बॉय। ए हार्ड पेंसिल, ए सॉफ्ट पेंसिल। चीप शर्ट कॉस्टली शर्ट। फास्ट कार स्लो कार, ये ऑपोजिट वर्ड्स है। अभी कंपैरिजन करना है आपको, कंपेयर करना है उसको। कंपैरिजन यानी कंपेयर करेंगे उसके, हम देखेंगे उसको। लुक रीड एंड लर्न। टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ये टॉल है फिर से थोड़ा ये बड़ा टॉलर है, ये सबसे बड़ा टॉलेस्ट है। टॉल टॉलर टॉलेस्ट। बिग बिग बिगर बिगेस्ट, ये बिग है फिर इससे बड़ा है बिगर, फिर सबसे बड़ा बिगेस्ट। टॉल टॉलर टॉलेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट। लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, देखो ये लॉन्ग है जिससे थोड़ी लंबी है और सबसे बड़ी लंबी लॉन्गेस्ट। शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, ये लंबी है फिर उससे ये शॉर्टर है, उससे छोटी है ये, तो सबसे शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटी है। रीड एंड लर्न। रीड एंड लर्न। वन नंबर में है बिग बिगर बिगेस्ट, मैंने आपको पहले बताया, पहले बिग है फिर इससे थोड़ा बड़ा है फिर सबसे बड़ा बिगेस्ट। स्मॉल छोटा, स्मॉलर यानी उससे थोड़ा छोटा, फिर स्मॉल है सबसे छोटा। फैट यानी जाड़ा, फैटर उससे जाड़ा, और फैट है सबसे जाड़ा। थिन पतला, थिनर उससे पतला, थिन है सबसे पतला। टॉल ऊंचा, टॉलर उससे ऊंचा, टॉल है सबसे ऊंचा। लॉन्ग लॉन्ग फिर लॉन्गर उससे लॉन्ग, फिर लॉन्गेस्ट एंड सबसे ऊंचा। शॉर्ट शॉर्टर फिर सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट होता है। न्यू न्यू ईयर न्यूएस्ट। ओल्ड पुराना, ओल्डर उससे पुराना, ओल्डेस्ट सबसे पुराना। यंग यंगर से यंग, फिर यंगेस्ट सबसे यंग। स्ट्रांग यानी मजबूत, स्ट्रांगर उसके मजबूत, स्ट्रांगेस्ट सबसे मजबूत। वीक वीकर वीकेस्ट, सबसे वीकेस्ट। क्लीन क्लीनर क्लीनेस्ट। डर्टी देखो इसमें आपको बताया है कि भाई सब में ईआर और ई एसटी लगाया है, कि बिगर है तो बिगर ईआर लगता है, ईएसटी लगता है। अभी इसमें आपको वाई बताया है सब में डर्टी, तो वाई आया है तो आई है तो आई ई आर आएगा, क्या आएगा डर्टी आई, डर्टी डर्टी आयर डर्टी आईस्ट। हॉट हॉटर हॉटेस्ट। कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट। हैप्पी हैपायर हैपाइस्ट। वाई है वहां पे आई ई आर लगाना है, क्या लगाएंगे आई ई आर, जहां पे वाई है वहां पे, बाकी ई आर और ई एस टी आएगा। इसमें शेड शेडर शेडेस्ट। लाइट लाइटर लाइटेस्ट। हैवी एवायर एवाइस्ट। हार्ड हार्डर हार्डेस्ट।
शॉफ्ट शॉफ्टर शॉफ्टेस्ट, चिप चीपर चिपेस्ट, कोस्टली कोस्टलायर कोस्टलाइस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, स्लो स्लोवर स्लोवेस्ट, स्लो यानी स्लोवर उसके स्लोवर, स्लोवेस्ट यानी सबसे धीरा। भी एक बार फिर से हम उसको रीड करेंगे। बिग बिगर बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, न्यू न्यूअर न्यूएस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक वीकर वीकेस्ट, क्लीन क्लीनर क्लीनेस्ट, डर्टी डटायर डटाइस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, हैप्पी हैप्पायर हैप्पाइस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, लाइट लाइटर लाइटेस्ट, हेवी हेवायर हेवाइस्ट, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, सॉफ्ट सॉफ्टर सॉफ्टेस्ट, चिप चीपर चीपेस्ट, कोस्टली कोस्टलायर कोस्टलाइटेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, स्लोवर स्लोवेस्ट। अब इसमें देखने जाओ तो बिग स्मॉल फैट थिन टॉल लॉन्ग शॉर्ट न्यू ओल्ड, यंग स्ट्रॉन्ग वीक क्लीन डर्टी हॉट कोल्ड, हैप्पी सैड लाइट हैवी हार्ड सॉफ्ट चीप कॉस्टली फास्ट स्लो, ऐसे होता है। इधर बिगर स्मॉलर फैटर थिनर टॉलर लॉन्गर शॉर्टर न्यूअर ओल्डर यंगर स्ट्रॉन्गर वीकर क्लीनर डर्टायर हॉटर कोल्डर हैप्पायर सैडर लाइटर हैप्पायर हार्डर सॉफ्टर चीपर कोस्टलायर फास्टर स्लोवर, इसे इसको पढ़ा जाता है। बिगेस्ट स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट थिनेस्ट टॉलेस्ट लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट न्यूएस्ट ओल्डेस्ट यंगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट क्लीनेस्ट डटाइस्ट हॉटेस्ट कोल्डेस्ट हैप्पाइस्ट सैडेस्ट लाइटेस्ट
थेवाइलेस्ट हार्डेस्ट सॉफ्टेस्ट चीपेस्ट पोस्टलाइस्ट फास्टेस्ट और स्लोवेस्ट। समझ गए? ओके okay।